ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मौदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ्यकिम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सभी भागवत श्रोता चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन के साथ श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 19 श्लोक संख्या 1 और 2 का ही उच्चारण करते हैं। श्री भगवान उवाच वचस्तवेतत् जनदेवसुमितम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। यस्य प्रमाणं भृगवासं पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। श्री भगवान उवाच वचस्तवेत जनदेव सुनितम् कुलोचितं धर्मयुतं यशस्करम्। यस्य प्रमाणं भृगवसं पराये पितामह कुलवृद्ध प्रशांत। श्री भगवान उवाच
श्री भगवान ने कहा, वच शब्द तव तुम्हारे एतत् इस प्रकार के जन देव हे जनता के राजा, सुनितम अत्यंत सच कुल उचितम तुम्हारे वंश के अनुरूप धर्मयुतम धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार यशस्करम तुम्हारे यश फैलाने के लिए उपयुक्त यस्य जिसका प्रमाणम साक्षी भृगव भृगुवंशी ब्राह्मण संपराये अगले जन्म में परलोक में पितामह तुम्हारे बाबा श्री प्रहलाद कुलवृद्ध कुल में सबसे बूढ़े वयोवृद्ध प्रशांत अत्यंत शांत प्रहलाद महाराज। अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस इस भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। श्री पूर्णो पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे राजन, तुम सचमुच महान हो, क्योंकि तुम्हें वर्तमान सलाह देने वाले ब्राह्मण भृगुवंशी है और तुम्हारे भावी जीवन के शिक्षक तुम्हारे बाबा पितामह प्रहलाद महाराज है, जो शांत एवं सम्मानीय वयोवृद्ध है। तुम्हारे कथन अत्यंत सत्य है और वे धार्मिक शिष्टाचार से पूरी तरह मेल खाते हैं। वे तुम्हारे वंश के आचरण के अनुरूप हैं और तुम्हारे यश को बढ़ाने वाले हैं। तात्पर्य, प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के जीवंत उदाहरण है। कोई यह तर्क कर सकता है कि वृद्ध होते हुए भी, चूंकि प्रहलाद महाराज अपने परिवार के प्रति विशेष रूप से अपने पौत्र बलि महाराज के प्रति आसक्त थे, तो फिर वे आदर्श कैसे बन सकते हैं। इसलिए इस श्लोक में प्रशांत शब्द का उपयोग किया गया। भक्त सदैव प्रशांत होता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। भले वह गृहस्थ जीवन क्यों न बिता रहा और भौतिक वस्तुओं का त्याग न कर पा रहा, तो भी उसे प्रशांत समझना चाहिए, क्योंकि वह श्री भगवान की शुद्ध भक्ति करता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, किबा विप्र किबा न्याशी शूद्र के नय, जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु हॉय। कोई चाहे ब्राह्मण हो या सन्यासी या शूद्र, चाहे जो भी हो, वह कृष्ण तत्व को जानता है तो वह गुरु बन सकता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8:128। भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान से पूर्ण रूप से अवगत व्यक्ति चाहे जीवन के किसी भी पद पर हो, वो गुरु होता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज सभी परिस्थितियों में गुरु है। यहां पर भगवान वामन देव सन्यासियों तथा ब्रह्मचारियों को भी यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य को आवश्यकता से अधिक नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने केवल 3 पग भूमि मांगी, जबकि महाराज उन्हें मुंह मांगा दान देने वाले देना चाह रहे थे। हरे कृष्ण। प्रस्तुत प्रसंग से आप सभी वैष्णव परिचित है। श्रीमद् भागवत अखिलेश्वर का अक्षर अवतार है और भागवत के अक्षर अक्षर में आनंद प्रेम रस भरा है।
श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध के 16वें अध्याय के 51 श्लोक में भगवान शंकरषण चित्रकेतु राजा से कहते हैं, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना शब्द ब्रह्म परब्रह्म उभो में शाश्वती तन। मेरे दो विग्रह है, अहम वै सर्वभूतानि भूतात्मा भूत भावना, मैं सबका पालन करता सृजन करता सब कुछ मैं हूं, और मेरे दो विग्रह है शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। तो परब्रह्म परमेश्वर के रूप में भगवान नित्य धाम में लीला करते हुए सच्चिदानंद स्वरूप से संभवामी युगे युगे होते रहते हैं, और वे ही भगवान शब्द ब्रह्म अर्थात श्री महामंत्र के नाम में नाम के रूप में या श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में शाश्वती तनु, ये मेरा शाश्वत स्वरूप है। आप लोग उस जगह जाकर इस श्लोक का चिंतन कर सकते हैं। तो हम जैसे विषयी और व्यवहारिक व्यक्तियों को भी वैष्णव बनाने के लिए ये ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत अनुग्रह कर रहे हैं, और हम श्री धाम वृंदावन में है, ये व्रज रस की उपासना का क्षेत्र है, यहां निकुंज में राधा कृष्ण का युगल विलास इस सखी मंजरियों का धन है। जो श्री गौरांग महाप्रभु की कृपा और उसके अनुगत रूप सनातन षटगोस्वामी वृंद की कृपा से परंपरा से प्रभुपाद के अनुग्रह आशीर्वाद से हम सबको भी सुलभ हो रहा है, इसीलिए हम भक्तों को विनम्र प्रयास करना है। कोटि जन्म पुण्य न कृष्ण भक्ति प्रजायते, हमारे वेद कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के बाद कृष्ण भक्ति मिलता है, गीता भी इस बात का प्रमाण देती है बहुनाम जन्म ना अंते। तो ये देव दुर्लभ वस्तु कृष्ण भक्ति कृष्ण धाम और कृष्ण लीला रस स्वरूप श्रीमद् भागवत का श्रवण, ये जो हमें सुलभ हो रहा है ये निश्चित गुरु गौरांग और गुरु गंधर्व का राधा की कृपा है, और इसीलिए हम सभी वैष्णव करोड़ों प्रणाम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं श्रील प्रभुपाद को और इस परंपरा को जो हमें ये अनमोल धरोहर दे रहे। चलिए जहां पर प्रभु मनोहर बटुक वामन के रूप में उपस्थित है वो क्षेत्र है भृगुकिच्छ, जो नर्मदा के पूर्वी तट पर मन से चलते हैं वामन देव के साथ बलि महाराज के यज्ञ में। और श्री भगवान उवाच, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित को श्री भगवान मतलब सुंदर भगवान। देखिए मांगते हुए कोई सुंदर नहीं लगता, लेकिन ये ऐसे प्रभु है कि मांगते हुए भी सुंदर लग रहा है। भिखारी को भी अच्छा लगता है उसकी बातें भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन भगवान तो हमेशा श्री से युक्त है। अथवा श्री भगवान का एक अर्थ और आप विचार कर सकते हैं, श्री माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के स्वामी भीख मांग रहे। और यही प्रश्न भरी सभा में परीक्षित ने पूछा था, बले पदत्रयी याचमानम, बलि से तीन पैर भूमि मांगे, लक्ष्मी के स्वामी होकर भीख मांग रहे। अरे लक्ष्मी की एक कृपा कटाक्ष जिसको मिल जाए बड़ा दाती दाता दानी बन जाता है व्यक्ति, और ये स्वयं लक्ष्मीनाथ होकर पदत्रय याचमानम भूमि बलो पद भूमि की भूमि मांग रहे। शिल प्रभुपाद से भी विदेश में एक बार एक व्यक्ति पूछा था कि भगवान होकर क्यों भीख मांग रहे, ये कैसे भगवान है, आप तो कहते ना भगवान सड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है और उसमें एक ऐश्वर्य है श्री, तो भीख मांग रहे। प्रभुपाद उत्तर दिए बड़ा सुंदर कि ये भगवान है, कुछ भी करे भगवान है, और कोई भी काम करते बड़ा करते भीख भी ऐसी मांगे कि तीनों लोग भीख में देते। इतनी बड़ी भीख आज तक दुनिया में कोई नहीं पाया, कोई 25-50 लाख पाया होगा ज्यादा से, तीनों लोग भीख में लाए, भीख भी इनकी बड़ी है तो भीख बड़े भिखारी है मतलब। और छल की, आप तो कहते कि भगवान सत्य है, लेकिन छल यसि विक्रमणे बलि अद्भुत वामन, सब कुछ पूरा प्रसंग अद्भुत अनुपम है, सुंदर किम सुंदरम,
अब देखिए, कोई भी छोटा मोटा दाता हो, उस दाता का बड़ा सम्मान संसार में होता है। हमारे इस्कान में भी कोई डोनेशन देता है तो मंगला में उसका नाम बोला जा रहा है ना, भले फिर वो कैसा ही हो, मंगलवाना कि उनका मंगल हम कामना करते हैं, दाता का सम्मान होता है, गार्लैंड हार दिया जाता है। पर यहां पर भगवान ने क्या किया, छोटा मोटा 10-25-50 हजार रुपया दे उसको हम हार पहनाते हैं, नाम बोलते हैं, जय बोलते हैं। और यहां तीनों लोग दान में भी दिया भगवान को, उस बलि को बांध दिया गया है एक कैदी की तरह गुनेगा, ये भी एक आश्चर्य है। तो परीक्षित ये भी पूछते हैं कि दाता को बांधा और दाता को डांटा, ये भिखारी भगवान डांट रहे, अब दाता को कोई डांटे और उसको कोई बांध दे, ये भी कभी देखा नहीं गया, लेकिन इस प्रसंग में ये भी हो रहा है। और वास्तव में भगवान और भक्त की ये मधुर लीला है। आत्मनिवेदन के आचार्य बलि का यश बढ़ाना चाहते हैं वामन, वो गीता में कहते भी है यशो लभस्वम, भगवान का काम है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। अर्जुन को भी कहते हैं कि तुम पांचों भाई छुट्टी लेकर घर पे जाके सो जाओ, फिर भी इनमें से किसी का कुरुक्षेत्र से रिटर्न टिकट है नहीं, कालोस में खा चुका हूं सबको मैं। तो फिर अर्जुन कहते मुझे क्यों आगे धरा है, भगवान कहते यशो लभसम, दुनिया कहे अर्जुन महाभारत जीता। भगवान अपने भक्त को यश देते हैं, चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन युग अवतार है, लेकिन पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन की गंगा का यश दिया भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, अपने भक्तों को यश देना उनका काम। तो बलि का यश बढ़ाना चाहते हैं। और देखिए अजीत है, लेकिन भक्तों के सामने तो हारना ही है इनको, लड़ाई अगर अपने से हो तो हारना भी सिंगार हो जाता है, अपनों से हारने में भी जीत है। और ये देखो हार गए मतलब बांधे कुछ क्षण के लिए और बंध गए वामन द्वारपाल बन के सदा के लिए। बांधे बलि को, आप प्रसंग से परिचित होंगे, थोड़ी देर बांधे, फिर प्रहलाद महाराज आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि हमको तो अच्छा ही नहीं लग रहा आप बांध रहे, कोई दूध की कटोरी पत्रम पुष्पम फलम देते उनको मुक्ति देते हो और इसने तीनों लोग दे दिया और इसको बांध देते हो, कैसा न्याय है प्रभु तुम्हारा। लेकिन प्रहलाद जी आए तो प्रभु प्रहलाद जी ने बड़ी प्रशंसा की, हे भगवान आपने तो नरसिंह बनकर मुझ पर थोड़ी कृपा की, लेकिन मेरे पोते बलि पर तो विशेष कृपा की। तो सब प्रहलाद की ओर देख रहे कि क्या कृपा की, डांट रहे, बांध दिया, टकला कर दिया, मतलब सब कुछ खाली कर दिया, ये कृपा है। लेकिन प्रहलाद जानते हैं हरिष्य तद धनम शन्य यस्य अनुग्रहणामि, जिससे मैं अपने आप को देता हूं उसका सब कुछ ले लेता हूं। तो ये कृपा प्रहलाद जैसे भक्त समझते हैं। और प्रहलाद जी ने कहा तो सारे लोग प्रहलाद के श्री मुख को देख रहे थे कि बोल क्या रहे, लेकिन बलि महाराज प्रसन्नता से अनुभव कर रहे। तो क्या किया, बोले ये परम कर शिर, आपने तो नरसिंह अवतार में मुझे केवल हस्त दिया, लेकिन मेरे बलि पर तो आपने अपना चरण ही पधरा दिया। चरण मीयूषा संसृते भया, जिसकी कामना गोपियां करती है गीत में, इस व्रज भूमि में, वही श्री चरण आपने मेरे पोते बलि के सर पर पदानि शिष्णि कुरु मे निजम। बलि ने बोला था कि तीसरा पर पद मेरे श्री सिर पर रख दीजिए, तो विशेष कृपा की। और आपका देना जितना सुंदर है, लेना उससे भी सुंदर है, सुंदर है कि मैं सुंदर हूं, आप तो श्याम सुंदर हो, आपके आगे सब छछुंदर है, आप कुछ भी करो सब बेस्ट ही बेस्ट है। तो श्री भगवान उवाच, ये देते हुए भी सुंदर है, भक्त का लेते हुए भी सुंदर है, भक्त का यश बढ़ाने के लिए लक्ष्मीनाथ होकर भीख मांग रहे और सुंदर लग रहा है श्री भगवान उवाच। सबका मन, मानो सुखदेव जी वामन बने हुए बलि पर अपने चित्त को लुटा चुके हैं उस भरी सभा में, और इसलिए प्रसन्नता से प्रेम की कथा कह रहा है। देखिए भागवत है ना, प्रेम चर्चा है, बातों बातों में अगर बनती है बात तो फिर बातों बातों में क्यों हम तकरार करें। आओ मिलकर बैठे कुछ प्यार की बातें करें, हो चुका जिक्र जहां का, अब अपने यार की बातें करें। जिसने जिस्म दिया और जिस्म के संग जानो दिल दिया, उस दिल से उसी दिलदार की बातें करें। राजेश जिसको मिल चुका है मोहब्बत का मजा,
वो फिर किसे कैसे बैठकर बेकार की बातें करें। हम लोग मंदिर में भी माला हाथ में है, विग्रह सामने है, आरती चल रही है और दुनिया भर की बेटे बेटों की बातें करते हैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो अच्छे भक्त होंगे, झोली वाले कंठी वाले, लेकिन हम देखते ही लीला भक्तों की मंदिर में बैठकर दुनिया भर का गप कर रहे हैं। बेटी ने ये किया, तुम्हारा बेटा कौन सा प्रहलाद का वंश अवतार है भाई, उसकी चर्चा कर रहे हो। इसीलिए मिलकर कुछ, जिसने शरीर दिया, शरीर में दिल दिया और दिल चला रहा है वो हृदय, उस दिलदार की बातें करनी चाहिए कि नहीं? और जिसे कृष्ण प्रेम का मजा मिल चुका है वो बेकार की बातें कभी कर सकता है? इसलिए प्रार्थना करो वृंदावन धाम में, खुदा करे मोहब्बत में ऐसा मकाम आए मैं किसी का नाम लूं, मेरे मुख पे है कन्हैया तेरा नाम है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। ये है जीने की जिंदगी मजा। यहां पूरे दुनिया का परमेश्वर परमात्मा जिसको वेद कहता है वो प्रियतम बन के नाच रहा है ये ब्रजभूमि। यहां सर्वेश्वर राशेश्वर बन चुका है, यहां योगेश्वर जो शूरवंशी है वो यहां गोपाल बन के गाय चरा रहा है। तो ये ब्रज वृंदावन प्रेम की भूमि है, रस की भूमि है। यहां प्रेम रस प्रत्येक रज के कण में और प्रत्येक रुख माने तरुवर में है। यहां के तरु झाड़ वृक्ष को तरु के, तरु मतलब जो तार देते हैं हमें जिसके नीचे बैठने पर, द्रुम कहते हैं जो द्रवित होते हैं राधा कृष्ण की लीला को देखकर, और ऐसे वृंदावन के वृक्ष, ऐसे वृंदावन की रज, यहां रसरानी यमुना जी बह रही है और उस पावन वृंदावन में हम लोग भगवान के मंगला आरती मंगल दर्शन के बीच दुनिया की चर्चा करें तो ऐसे शोभा नहीं देती हमारी साधना। इसलिए इस भागवत दर्पण है जो हमें सावधान करता है। श्री भगवान उवाच, वास्तव में देखने लायक, बोलने लायक, सुनने लायक राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जी है। उसको छोड़कर किसी की बातें न बोलनी है, न देखनी है, न करनी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या बोल रहे हैं भगवान? वचस्तवेत जन देव सुनितम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम यस्य प्रमाणम भृगवसं पराये पितामह कुल वृद्ध प्रशंत। भगवान उवाच वचनम मधुरम, भगवान के वचन क्या है? जिंदा मुर्दा को भी जान भर दे, अमृतमय वचन है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, गोपी गीत में ऐसे मधुर वामन देव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री सुखदेव जी भरी सभा में बोल रहे हैं, इति वैरोचनम वाक्यम, श्लोक एक, इति वैर, इस प्रकार वीरोचन के वाक्य को, कथम भूतम वाक्यम, कैसे वाक्य थे? देखो बलि का नाम नहीं दिया जा रहा है, सुखदेव जी जैसे विद्वान वैष्णव अनर्थक निरर्थक बातें नहीं बोलते, श्रोता और समय को लक्ष्य में रहकर सार बातें बोलते हैं। वैरोचनम वाक्यम इति, इस प्रकार के वीरोचन के बेटे के वाक्य, बलिम वाक्य, लेकिन वीरोचन बाप को याद किया जा रहा है, बाप के नाम से बेटे का गौरव बढ़ाया जा रहा है, यश गाया जा रहा है। इति वैरोचनम वाक्यम, आप विचार करिए वैष्णव लोग के इति इस प्रकार के, तो प्रश्न होगा किस प्रकार, किस प्रकार के बलि क्या बोले थे? हम लोग तो खिचड़ी खाते ही सारा प्रवचन स्वाहा हो जाएगा। पिछले श्लोक में थोड़ा देखना पड़ेगा ना, इति इस प्रकार, बलिरुवाच स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किं करवामते, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। अगले श्लोक में बलि बोले है, अगले अध्याय में 22-23 श्लोक में होगा कि हे ब्राह्मण आपका हार्दिक स्वागत है, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर आप इतने चमक रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं,
कि ब्रह्मर्षिणा तपस साक्षात वपु धरत, ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मर्षियों का, मुनिन्द्रों का, योगिंद्रों का तप साक्षात मूर्ति लेकर आया है। इतना चमक, करोड़ों सूर्य चंद्र आपके सामने फीके है महाराज। मेरा परम सौभाग्य, अद्य में पावितम कुलम, अद्य में पितर तृप्ता, आज मेरे पितृ तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पावन हो गया। भगवान गृह आज आप सामने से, मैंने कोई कागज तो नहीं लिखा था कि पधारिए, मैं यज्ञ, आप अपनी ओर से अनुग्रह करके, हरि कृपा से, गुरु कृपा से आप मेरे द्वार पर आ गए, मेरे आंगन में आ गए अतिथि बनकर। देखो कितना अद्भुत अनुपम अतिथि आया आज बलि को अनुग्रह करने के लिए, और इस बात को बलि जानते हैं। तो इति इति पर मैं बोल रहा हूं कि इस प्रकार बलि बोले, इस बात से हम वैष्णवों को क्या प्रेरणा मिलती है, एक एक सुंदर आत्मनिवेदन जो भगवान को करना चाहता है या भगवान को आत्मनिवेदन कर चुका है। तिथि प्रज्ञस्य का भाषा, भगवद्गीता का प्रथम प्रश्न अर्जुन का यह है कि जो जिसकी बुद्धि कृष्ण में फिक्स हो चुकी है, स्थित हो चुकी है, वो कैसे बोलता है, वो हमेशा दूसरों के प्रति सम्मान से बोलता है। वसुदेव गए थे, भागवत के 11वें स्कंद में निमि प्रसंग की बात है, नारद जी गए तो वसुदेव ने कितना सुंदर स्वागत किया। अरे गर्ग महाराज आए थे ब्रज वृंदावन में कृष्ण बलराम का नामकरण करने, तो नंद बाबा ने कितना, भगवान के बाप भी सिखा रहे हमको कि कैसे स्वागत होता है साधु का, संतों का, वैष्णवों का, ब्राह्मणों का। हम लोग तो साधन सम्मान नहीं करते, वैष्णवों को चेक करते और गलती ढूंढते कि क्या गड़बड़ कर रहा, क्योंकि हमारा ये एक्स्ट्रा सेवा गुरुजी ने नहीं दिया फिर भी हमने लिया, और इसलिए वही के वही है इतनी माला के बाद भी, इतनी वर्षों के बाद घूम रहे, लंगर निकाला नहीं, नाव चल रही है वहीं पे वही यमुना जी ने। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करिएगा। अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरी, रटते हैं तोते की तरह भाई, लेकिन मान तो खुद चाहते हैं, और मान चाहने वाला अभिमान से भरता रहता है, भरता रहता है। हम अभिमान से अपने हृदय को भरने नहीं आए, हम भागवत से हृदय को भगवान के भाव से भरने आए। जो भाव से तभी भर जाएगा जब अभिमान से खाली होगा। तालियां कम बजाइए, हरि बोल। जो अभिमान से खाली होगा वही भाव से अपने आप को भर पाएगा। खाली तो होना चाहिए ना जी, नहीं तो अनइंस्टॉल बताएगा कि जगह नहीं है भाई। तो मान नहीं चाहिए हमको, हमें तो मान देना है। यहां देखिए बलि सम्मान दे रहे, सब जगह ये मिलेगा। चार कुमार पधारे चौथे स्कंद में, पृथु महाराज ने बड़ा स्वागत किया। अरे द्वारकाधीश के दरबार में, सुधर्मा सभा में, राज सिंहासन पर ठाकुर जी बैठे थे, एक पोरबंदर का क्या कहे, कुछ भी, जिसकी धोती में ओरिजिनल धोती का कपड़ा लगा है कौन सा पता नहीं, इतने दूसरे कपड़े लगे थे। हमारे सुदामा जी आए तो, गुजराती ब्राह्मण की जय। हम गुजराती है तो थोड़ा तो जाति गर्व होता ही है। द्वारकाधीश भी गुजराती है, ये वृंदावन के ब्रज बिहारी है, वाके बिहारी है, वो गुजराती बने ना, 100 वर्ष द्वारिका में रहे और अब तो आगे बढ़ चुके हैं, वो ब्रजवासी गुजराती बन के अब कलयुग में तो बंगाली बने हैं, निताय गौर प्रेमानंदे, चैतन्य महाप्रभु बन गए हैं ना अब तो, वही राधा कृष्ण यहाँ के युगल, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु की बातें भी बड़ी मधुर है, वो क्यों बने हैं। देखो किसी भी वस्तु को देख कर उसकी गरिमा, उसकी महिमा, उसके वजन गुरुत्व का बोध नहीं होता, उसे कंधे पर धारण करने पर पता चलता है बाप रे बड़ा भारी है ना। ऐसे ही राधा रानी के हृदय का जो महाभाव प्रेम है ना, वो देख के गोविंद को पता नहीं चला, सर्वज्ञ चिरोमणि की बुद्धि भी चकरा गई, तब उसने राधा रानी का हृदय और कलर लेना पड़ा, तब समझ पाए कि राधा रानी का प्रेम क्या है, और इसलिए वो गौर बने। ये जो काले श्याम सुंदर है सांवरे, वो क्या बने, गौर बने, राधा रानी का कांति लेना पड़ा। राधा रानी ने केवल कलर देने को बोला, ये हृदय अपने से ले लिए, चोरी की आदत जाती नहीं, बचपन में पड़ गई ना इनकी, लेकिन इनको आस्वादन करना था। कैछन राधा प्रेम कैछन तार मधुरी मा, कैछन भा सुखे ती हो भो,
ये तीन वांछित धन व्रजे ना होइल पूरण की करीबो की पाइया। ओ सर्वज्ञ आत्माराम पूर्ण काम पूर्ण पुरुषोत्तम की भी तीन अभिलाषा व्रज में पूरी नहीं हुई। कैछन राधा प्रेम श्री राधा या प्रणय महिमा की दृश्यो वान ये वा कैछन तर मधुरी मा। क्या है राधा रानी का माधुर्य? ऐश्वर्य के अधिपति माधुर्य के महाराज बनने के लिए राधा रानी के चरणों में भीख मांगनी पड़ती है इनको। देखो ऐश्वर्य से आकर्षण होता है, माधुर्य देख के समर्पण होता है। किसी का धन देख के ऐश्वर्य सुंदरता देख के अटैचमेंट होता है, लेकिन जब उसका उनका स्वभाव पता चलता है ना तब समर्पण होता है। नहीं तो सुंदर देख के लाए थे, बाद में पता चला कि ताड़का के विषय में सुना तो था, अब साक्षात्कार हो रहा है। लेकिन हमारे ठाकुर जी का अधरम वधरम वदनम मधुरम नहीं, वल्लभ आचार्य लिखते हैं हृदय मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और ये कहां से पाया है? सब श्री जी से पाया है, राधा रानी से पाया है। सरकार इसी की चलती है यार। वृंदावनेश्वरी की जय। और ये कृष्ण ने दिया है राज, यत्राधिपत्यम वृषभानु जाया प्रेम जनम प्रेम सुखम जनाना यस्मिन ममाशा बलवत्ति यस्मिन ममास्तु वृंदावन एव वास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा वृंदावन अष्टकम चौथा श्लोक, यत्राधिपत्यम वृषभानुजाया। भगवान ने राधा रानी का कॉरोनेशन सेरेमनी राज्याभिषेक किया वृंदावन में, सब भांगुरी मुनि शांडिल्य कीर्तिदा यशोदा नंद उपनंद वृषभानु पूरे ब्रज मंडल को बुलाकर भगवान ने स्वयं अभिषेक स्नान करा के सिंदूर राधा रानी को तिलक लगाया कि आज से वृंदावन की महारानी आप हो। बोलो राधा रानी की। तो इनका राज चलता है भाई यहाँ पर। और इसकी मधुरिमा कैछन कैसी है ये समझ नहीं पा रहे तो क्या किया, भाविया देखी ओ मने राधार स्वरूप बिने ये वांछा पूर्ण कभू न। राधार भाव कांति करी राधार प्रेम गुरु करी नदियाते हो उदय। बोलो चैतन्य महाप्रभु की। राधा का हृदय लेकर राधा के प्रेम को गुरु मान के मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, लेकिन कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम बन के आए। ये प्रेम धन उन्नत उज्जवल रस इसी अवतार में कृष्ण स्वयं आए तो भी नहीं दिया। हाँ नहीं देंगे क्या? वो तो राधा का हृदय लिया तब मिला इसको। तो कृष्ण तरसाने वाले है, राधा रानी बरसाने वाली है। बोले राधा रानी की। तो इस वृंज वृंदावन में बैठे आप कहोगे वामन देव की कथा कहते कहते यहां कहां चले गए महाराज? चैतन्य महाप्रभु की बात आती ही तो ब्रज की बात आती है भाई। चैतन्य महाप्रभु का दिया हुआ धन है। और ये ब्रज में वामन की भी चर्चा है। अरे बृहस्पति के शिष्य कृष्ण के दैत सखा उद्धव जी यहां आए थे ब्रज में, और गोपीजनों से जब संवाद चला तो ब्रज गोपियों ने भ्रमर गीत में इसको याद किया है श्री भगवान को, जो बोल रहे हैं ना ये भी यहां पर श्री भगवान। उसको क्या कहते हैं गोपियों ने कहा कि उद्धव तुम्हारा मित्र जो है ना इस जन्म का कपटी नहीं जन्म जन्म का कपटी, बाहर से ही काला नहीं अंदर से भी डबल काला है, हम उसको देर से समझ रही है। उद्धव जी कहते क्या किया हमारा प्रिय मित्र? बोले क्या गड़बड़ क्या आज तक अच्छा कोई काम किया इसने? मृग यरिव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा भ्रमर गीत का छठा श्लोक भागवत 10:47 17 नंबर। मृग यरिव कपिंद्र विव्यधे लुब्ध धर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा अष्टविद्वांशवद् असिदलम सख्ये दुष्ट्यजम तत्कथार्थ। गोपिया भी राधा रानी भी कहती है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना बड़ी डिग मार रहा है, लेकिन
कपट किया, पीछे से लड़, युद्ध में भाग नहीं लिया, दोनों सुग्रीव दोनों लड़ रहे थे, पीछे से तीर चलाया जैसे शिकारी पीछे से मारता है। और एक स्त्री आई इसके पास शादी करने के लिए, चलो नहीं करता शादी, बोलता कि हमारी हो चुकी है पहले से, लेकिन उसका नाक कान काट दिया और किसी से शादी हो ऐसा प्रोग्राम भी बंद कर दिया, खुद तो नहीं किया दूसरों को करने लायक नहीं छोड़ा। ये तो गलत है ना भाई, खुद को नहीं करना है लेकिन ऐसे काट दिया कि इसकी दोबारा जो भी अभी भी घूम रही है बेचारी, ढूंढ रही है बंबई दिल्ली में कोई मिल जाए बिना नाक वाले, नक्कटी रावण की बहन। और बलिम अपि बलि अत्वा, बलिम अपि बलि, बलि ने अपना सब कुछ दे दिया, अत्वा अवेष्ट एक कौवे की तरह द्वांक्षवत, जैसे कौवा जिसको खाता है उसको मारता है, इसी को बांध दिया। असद अलीम सख्ये, बहुत हो गया इनसे प्रेम, बहुत हो गई इससे मित्रता, इस असित से, इस काले से ना प्रेम है ना मित्रता। तो उद्धव जी ने कहा बाप रे हमारे सखा को इतना गड़बड़ डांट रही है, तो एक काम करना उसकी बात ही बंद करो, जो व्यक्ति कपटी है झूठा है प्रेम करने लायक नहीं है उसकी चर्चा ही क्यों करो, टाइम वेस्ट क्यों करना, चुप रहो। तब राधा रानी गोपिया कहते यही तो समस्या है उद्धव, कि उस काले को छोड़ सकती है लेकिन उस काले की कथा नहीं छूट रही है। तो कथा अमृतम तप्त जीवन, अब उसको तो लेकिन उसकी कथा ही नहीं छूट रही है। यदनुचरित लीला पीयूष विप्र, और आगे गोपिया भ्रमर गीत में बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन वामन को भी याद करती है। और आज वामन देव अपने बलि महाराज के वचनों को बलि महाराज के सामने कुछ बोल रहे हैं, बलि वामन संवाद बहुत सुंदर संवाद है, ये चर्चा का विषय है साधुओं के लिए, इसमें बहुत सारी शिक्षा है। सबसे पहली बलि महाराज से हम शिक्षा ले रहे हैं कि कितने उदार और कितने मधुर और कितना बड़ा साम्राज्य है, पूरे तीनों लोक का अधिपति है बलि, और 5 साल के लिए नहीं है कि इलेक्शन में विपक्ष वाले टांग खींचते रहेंगे इनकी, बलि साम्राज्य पूरे पृथ्वी का पा चुका है और कितना विनम्र कह रहा है। और आजकल तो थोड़ी सी पोस्ट पद मिल जाए व्यक्ति पजामा से बाहर हो जाता है, देखा जाता है दुनिया में, किसी को पूछता नहीं, जिसने दिया उसी का अपमान भी करते रहते, उन्हीं के अपराध गलती में लगे हैं, लोग पड़े कि नहीं इस दलदल में। लेकिन देखिए बलि की महानता और कितना उदार, वो कह रहे कि आपको आने से मेरे पितृ तृप्त हो गए। कोई भी वैष्णव का दर्शन होता है ना, साधु का सच्चे भक्त का, उसके दर्शन से हमारे पितृ तृप्त हो जाते, उसकी सेवा बन जाए तो मोक्ष हो जावे। आपको याद कराऊं चैतन्य भागवत चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में मध्य लीला आदि लीला में 12वां अध्याय होगा शायद, जब जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया और चैतन्य महाप्रभु गया गए श्राद्ध करने, और वहां ईश्वरपुरी आए, ईश्वरपुरी को देख के चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ईश्वरपुरी रे देखिया श्री गौर सुंदर, नमस्कार करी लेना करी आदर, प्रणाम किए चैतन्य महाप्रभु और क्या बोले, प्रभु बोले गया यात्रा सफल अमार, जय शरण देखिल चरण तुमार, मैंने आपका हे ईश्वरपुरी चरण देखा, आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई, तुमा देखिले न कोटि पितृगण, मैं तो अपने एक पिता जगन्नाथ का मिश्र का श्राद्ध करने तृप्त पितृत्व दान देने आया, लेकिन हे ईश्वरपुरी आपके दर्शन करते ही मेरे करोड़ों पितृ भगवत धाम चले गए, तुम समा तीर्थ नहीं जागते रहा है, तीर्थेर मंगल तुम्ही परम प्रदान, कृष्णा अमृत रसपान देव मोर दान। इतनी सुंदर बातें, गौरांग की गुरु भक्ति भी पढ़ने लायक, खुद भोजन बना के खिलाए थे ईश्वरपुरी को, बोले अब आप हमें कृष्ण कथा कह के कृतार्थ करिए, तो सम्मान दिए। यहां बलि भी अपने को कृत, मेरे पितृ तृप्त हो गए, और बलि कहते क्या चाहिए, गांव कांचन पृथ्वी चाहिए, घर चाहिए, सोना, यद वटो वांछति तद प्रतीक्षमे, प्रति इच्छा जो आपकी इच्छा है मुझसे बोलिए, पृथ्वी चाहिए, गाय चाहिए, हाथी घोड़ा तुरगान समुद्रान गजान, हे अर्हतम हे पूजनीय। देखो हमारे यहां तो कोई मांगने आता है हम लोग मुंह फेर लेते हैं, टाइम नहीं है, घर पे नहीं है, और बलि खुश है आपको देने से मुझे आनंद होगा, आपने मेरा सौभाग्य बढ़ा दिया, अब मांगिए। इति वैरोचनम वाक्यम, इस तरह विरोचन पुत्र के वाक्य को सुनकर भगवान निशम्य प्रीत, भगवान प्रसन्न हो गए। तो विरोचन का बेटा क्यों कहा गया,
देखिए प्रहलाद महाराज की पत्नी का नाम था धृति और इससे एक बेटा हुआ विरोचन। विरोचन के विषय में पुराणों में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। विरोचन का पहला गुण था कि वो 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके, छांदोग्य उपनिषद में भी विरोचन का नाम है। भगवान व्यास लिखते हैं कि ये प्रहलाद का पुत्र विरोचन 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करके इंद्र और ब्रह्मा के पास वेद पढ़ने गए। वेद पढ़ना ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन करना है उसको, लेकिन सारी देहात्म बुद्धि उतनी गई नहीं, क्योंकि राजा का बेटा, थोड़ा राजसी, थोड़ा थोड़ा धन वैभव ऐश्वर्य ईगो थोड़ा था, लेकिन आत्मज्ञान लेता था वेद उपनिषद का ये विरोचन। और इसी के कारण उदारता कूट कूट के भरी थी इसके खून में। और इंद्र परेशान हो चुके थे बाद में, क्योंकि इससे और मरने वाले तो कोई इंद्र की सामर्थ्य नहीं थी कि इनको मार सके। तो दाता भी इतने बड़े थे कि बलि महाराज के पिता विरोचन के दरबार में इंद्र ब्राह्मण बन के गए भिक्षा मांगने। और विरोचन का नियम था कि कोई भी आए कुछ भी मांगे ना नहीं कहता, मना नहीं करता था। और इसने सर मांग लिया, महाराज आप प्रसन्न है, दान देना चाहते? विरोचन ने कहा मेरा सौभाग्य होगा अगर ब्राह्मण हमारे पास कुछ ले ले तो। बोले मैं आपका मस्तक मांगता हूं। उसी समय अपने आप से काट के दे दिया, ले जाओ और तुम उसके बेटे हो भाई। तो 5-25 ने मना नहीं, जिसने अपने सर कटवा दिए हो ऐसे बाप का बेटा 3 पद तो दे ही देगा एटलीस्ट, मानो भगवान ये कह रहे हैं। अच्छा मस्तक इसकी भी बड़ी कथा है, क्योंकि इंद्र जानते थे कि अगर मैं इसको काट दूंगा ना वज्र से तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि गुरु समर संजीवनी मंत्र फूंक के फिर जिंदा कर देगा। शुक्राचार्य के पास ऐसा मंत्र था संजीवनी, किसी के पास नहीं। आज किसी के पास हो जाए करोड़ों डॉलर कमा ले भाई, सबके ब्यूटी पार्लर बंद हो जाए, मंत्र मारे जिंदा हो जाए, लेकिन वो एक के पास ही है। और किसने दिया जानते हैं? चंद्रमौली भगवान शंकर ने दिया है ये मंत्र, संजीवनी मंत्र। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमें उससे भी बड़ा संजीवनी मंत्र दिया है जो गोलोक ले जा सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम हरे। युद्ध में भी बहुत सारी कथा इस तरह। विरोचन कभी मना नहीं करे, दाता उदार वीर पुरुष था और तुम उसके बेटे हो। श्रीधर स्वामी इसकी टीका में लिखते हैं, या शिव स्वामी लिखते हैं कि दातुम शिक्षयन, हम सब लोगों को सिखा रहे वामन देव अपने चरित्र से। क्या सिखा रहे वामन देव? यही सिखा रहे भक्तजनों कि दाता की स्तुति करो और स्वयं संतुष्ट रहो। दातु स्तुति स्वयं संतुष्टि इति भिक्षुन शिक्षयन वामनम आह। वामन ये श्लोक क्यों बोले? हम सब भक्तों को संतुष्टि सिखाने के, संतोष करो और जो भी दाता है उसके गुण गाओ। और उसके गुण क्या गाओ? उसके पूर्वजों के गुण गाओ कि तुम्हारे बाप दादा ऐसे थे वैसे थे ऐसे थे, इसको देख के उसको थोड़ा बल बनेगा। तो अपनी भिक्षा 3 पद की दृढ़ करने के लिए वामन देव छल पूर्वक वचन कह रहे। ऐसी छलने वाली माधुरी भगवान श्री वामन की सबके मन को हर रही है। ऐसे वामन देव की जय।